और विदिशा में नारायण सिंह कुशवाहा के साथ हाथापाई हुई है। कुश कल्याण बोर्ड अध्यक्ष से गाली गलौच का भी आरोप है। आपको बताएं कि जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में हाथापाई और गाली गलौच, सोशल मीडिया पर जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दोनों पक्ष ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है नारायण सिंह कुशवाहा और उनके साथ ऐसी घटना। और श्योपुर की महिला तहसीलदार अमिता सिंह तोमर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। तहसीलदार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासन पर तंज कसा। जिले के कलेक्टर को हटाए जाने पर उन्होंने लिखा कि साहबी गई तो क्या सैलरी तो मिलती है। अमिता सिंह तोमर ने पुलिस पर सवाल उठाए, लिखा कि पुलिस FIR करती नहीं है, अगर कर भी लेती है तो कार्रवाई नहीं करती है। अपराधी पकड़ के दे दिया जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है। अमिता सिंह तोमर SLR कार्यालय में पदस्थ है। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख जीतकर वो सुर्खियों में भी रह चुके हैं और कई बार विवादित बयानों के चलते ही खबरों में रहती हैं।